subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Dear friends, आज आप हमारे चैनल पर टैक मोबाइल रिपेयर में सीखने जा रहे हैं B310-313E की नेटवर्क प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो हम इस मोबाइल को आप खोलेंगे, अब इसकी फिल्म उतारेंगे बटन वाली, जिसमें बटन लगे हुए हैं ताकि ये हीट से जल ना जाए। और अब ये नेटवर्क आईसी है, इस पर हमको हीट देना है और बिल्कुल हल्का सा हिलाना है, जिसको वापस से ये अपनी जगह वापस सेट हो जाएगी। इसमें पेस्ट लगाएंगे, और ये हमने एक कवर रखा है इसी टीन का कवर, जिससे और इसके सीपीयू पर हीट नहीं लगे। और अब हम इसको नेटवर्क आईसी को हीट करके और बिल्कुल हल्का सा इसको हिला देंगे। और ये हमने देकर हिला दिया है आईसी को। बिल्कुल लाइटली हिलाना है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि कैमरा काफ़ी ऊपर है। लाइटली से आप हिला दीजिए और आईसी प्रॉपर अपनी जगह पर ही रहनी चाहिए। और इसमें हमने हिला दिया है, अब इसको कुछ देर ठंडा होने देंगे, मदरबोर्ड हमारा काफ़ी गर्म हो चुका होगा। दोस्तों ये 100% है, आप ये दोनों मॉडल के अगर नेटवर्क प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क जहाँ पर टावर दिखाई देते हैं वहाँ पर क्रॉस का निशान आए, तो आपको यही करना है। ये फर्स्ट स्टेप है और इसी से आपकी 100% है, 99% तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और हमें किसी भी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है लोग ज़्यादातर क्रिस्टल आईसी को चेंज कर देते हैं, लेकिन क्रिस्टल आईसी को चेंज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी नेटवर्क आईसी का और क्रिस्टल आईसी का जब रिलेशन टूट जाता है तब ये होता है। और इसीलिए हमें नेटवर्क आईसी पर हीट दे देंगे तो उनका वापस से सेट हो जाती है ये चीज़, ये प्रॉब्लम नहीं होती फिर। अब हम इसकी फिल्म वापस लगा रहे हैं, बटन वाली फिल्म वापस लगाई जा रही है। और ये देखिए हमने दोस्तों लगा दिए, और अब हम इस मोबाइल को देखेंगे कि इसमें टावर आई या नहीं। और ये देखिए दोस्तों, we'll be right back.
देखिए दोस्तों, 100% टावर आ चुके हैं और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है नेटवर्क की, और नेटवर्क 100% आ रहा है। देखिए देखिए, आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी हम इससे अच्छे अच्छे मेथड देंगे आपको, जिससे आप किसी भी फ़ोन के टावर नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे, चाहे वो एंड्रॉयड हो या कीपैड फोन हो।